वालेकुम स्टूडेंट हूँ आपके साथ अनम उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे लास्ट टाइम हमने बात की थी थायराइड ग्लैंड की कि थायराइड ग्लैंड होता क्या है तो थायराइड ग्लैंड हमारे नेक रीजन के नीचे जो एक ग्लैंड पाया जाता है जिसको हमने क्या इस चीज़ का नाम दिया था थायराइड ग्लैंड का नाम दिया था थायराइड ग्लैंड दो लोब्स पर मुश्तमिल होता है अगर आपने हमारा जो थायराइड ग्लैंड वाला लेक्चर है अभी तक वॉच नहीं किया तो हम जो है ना डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे तो आप पहले थायराइड ग्लैंड को जो है ना स्टडी करें उसके बाद जो है ना थायराइड ग्लैंड के आज हम डिसऑर्डर को स्टडी करते हैं तो थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर को स्टडी करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिसऑर्डर ऑफ थायराइड ग्लैंड के थायराइड ग्लैंड अगर हमारे पास एक्सेस अमाउंट में सेक्रेट हो जाता है तो उसके नतीजे में जो डिजीज़ काज होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं हेपरथायरोडिज़म्स या थायरोटॉक्सिस बोलते हैं इसके अलावा अगर थायराइड ग्लैंड की जो सेक्रेशंस होती है वो लेस अमाउंट में होती है तो उसको हम बोलते हैंपोथायरोडिज़म हैपोथारोडिज़म्स जो होते हैं ना वो इन चिल्ड्रन और एडल्ट दोनों आ, के जो केसेस होते हैं वो क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं चिल्ड्रन के अंदर देखें तो हैपोथारोडिज़म्स चिल्ड्रन में होता है क्रिटिजियम्स के थ्रू होता है क्रिटिजियम्स एक जो होते हैं ना कंज़ंक्शनल डेफिशिएंसी होती है थायरज की जिसको हम क्या जो क्रिटिजम्स का सबब बनती है इस डिज़ीज़ के अंदर जो इंडिविजुअल्स होता है वो क्या होता है नॉर्मली डेवलप करना आ, क्या कर देता है लॉस कर देता है यानी कि वो फेल हो जाता है टू डेवलप नॉर्मली और क्या करता है इसके जो सेम्टम्स की अगर हम बात करें तो जो सेम्टम्स होते हैं इसके जो सिमटम्स की बात करते हैं तो सिम्टम्स में क्या आता है सबसे पहले देखें तो इनके जो हेयर्स होते हैं वो क्या है? होते हैं कर्ली हेयर्स होते हैं ठीक है उसके अलावा इनकी जो स्किन होती है वो थिक येलोइश स्केली स्किन होती है और क्या होते हैं इनकी जो मेंटल ग्रोथ होती है नशनुमा होती है मेंटल वो क्या होते हैं रुक जाती है और ये जो ऐसे जो इफेक्टेड पर्सन होते हैं वो क्या होते हैं सेक्चुअली डिवेलप भी नहीं कर पाते है. अगर हम एडल्ट की बात करें तो एडल्ट के अंदर एक कंडीशन पाए जाती है जिसको हमने क्या इस चीज़ का नाम दिया मैग्सोडीमा का नाम दिया अब मैगजोडिमा के अंदर जो होते हैं ना थायराइड ग्लैंड की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होती है नेक रीजन में ग्वाइटर जो होते हैं ना डिजीज़ काज हो जाती है ग्वाइटर किस वजह से होते हैं क्योंकि हमारी डाइट के अंदर जो आयोडीन होती है उसकी कमी की वजह से क्या होते हैं हमारी नेक जो होती है स्वेल हो जाती है जिसको हम क्या कहते हैं ग्वाइटर का नाम देते हैं इसमें क्या होता है कि हमारे नेक रीजन में एक्सेस फैट जमा हो जाता है जिसकी वजह से वेट क्या हो जाता है इंक्रीज़ हो जाता है तो इस कंडीशन को हम किस चीज़ का नाम देते हैं मैग्जोडीमा का नाम देते हैं इसके अलावा अगर हम इसकी करैक्टर्स की बात करें तो इनके अंदर कुछ चेंजेस आती है कि और हैं कि पफनेस ऑफ हैंड्स एंड स्किन के हाथों और स्किन का फूल जाना और क्या होता है कि जो मैंटल प्रोसेस होता है वो क्या हो जाता है रिटॉर्टेड यानी कि उनकी जो मैंटल ग्रोथ होती है वो भी क्या हो जाती है जाती है अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में क्या लेना चाहिए हमें जो आयोडीन की मकदार है उसको क्या कर देना चाहिए इनक्रीज़ कर देना चाहिए जिसकी वजह से आयोडीन की जो डेफिशेंसी होगी वो क्या होगी ख़त्म हो जाएगी जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी होगी वो क्या करेगी उसके अंदर थेराक्सजन की कमी जो होते हैं ना लिमिट हो जाएगी उसके अगर बाद अगर हम बात करते हैं आ, हैपोथॉरोडिज़म्स की तो हेपोथेराडिज़म्स एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर थायराइड ग्लैंड क्या होते हैं अनएबल होते हैं टू प्रोड्यूस इनफ थायरॉइड हारमोन्स जहाँ पर थायरॉयड ग्लैंड थायरॉयड हारमोन्स को प्रोड्यूस करने के लिए क्या होते हैं अनएबल टू इनफ होते हैं उसके बाद देखें साम्पटम्स तो डिक्रीज लेवल जब हो जाता है हमारी ब्लड के अंदर थायरॉयड हारमोन्स का तो हमारा वेट जो होता है वो क्या होता है गेन होता है डिक्रीज एपाटाइट्स डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर एंड कूल्ड इंटॉलरेंस एंड सेंसिटिविटी क्या होती है टू कूल्ड हो जाती है उसके बाद क्या होते हैं कन्जप्शन होती है Conceptions डिपोजिशंस डिप्रेशन हो जाते हैं मेमरी इंपेयर्ड हो जाती है और देखें यहाँ पर हाइपर टेंशन में तो बीटा रेट क्या होता है उसका जो बीटा रेट होता है वो क्या होता है डिक्रीज हो जाता है जबकि अल्फ़ा रेट क्या हो जाता है इनक्रीज़ हो जाता है उसके अलावा यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो स्लो थिंग्स डाउन हो जाती हैं यानी कि थिन नेल्स हो जाते हैं बेटर नेल्स हो जाते हैं तो ये कुछ हैं हैंपोथाडिज़म्स के इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डिजीज़ की तो ग्रेव डिज़ीज़ क्या होती है कि हाइपोथर्डिज़म्स का जो फर्स्ट केस होता है वो काज करता है ग्रेव डिज़ीज़ को ग्रेव डिजीज़ एक ऐसा डायग्नोसिस है जो फोर्टी टू फिफ्टी जो की एज होती है उसके दरमियान सोता है और ग्रेव डिज़ीज़ एज कम्पेयर टू मैन वोमेन में सेवन टू एट टाइम ज़्यादा होता है और ग्रेव डिजीज़ ओनली ऑन थ्री परसेंट पापोलेशन को क्या करता है इफ़ेक्ट करता है ग्रेव डिजीज़ की कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो ग्रेव डिजीज़ में सबसे पहले क्या आता है ग्वाइटर की बात करते हैं ग्वाइटर हमें हाँ पता है कि किस वजह से होता है कि हमारी जो डाइट्स है उसमें क्या होता है आयोडीन की कमी होती है जिसकी वजह से थायरॉइड ग्लैंड आपने जो एक्चुअल साइज़ है वो क्या होता है उससे इंक्रीज हो जाता है यानी कि बिगर साइज़ में ग्रो कर जाता है और क्या करते हैं हमारे नेक के ऊपर जो होता है ना बाहर की तरफ निकला हुआ नज़र आता है और ये जो काज ये जो डिजीज़ होती है काज होती है ग्रेव डिजीज़ इसको हम क्या कहते हैं डिफियन थायरॉक्स थायरोडॉक्सिक गटर कहते हैं उसके बाद है थायरयड आइस डिजीज़ थायरॉयड आइस डिजीज को हम क्या कहते हैं thyrotox, है. है है? कि ये जो थायरॉयड आइस डिजीज़ है grave disease, ग्रेव डिजीज कि आइज़ की इश्यू से रिलेटेड होती है जिसमें क्या होता है सैम्टम्स देखें तो इनके जो सेम्टम्स होते हैं वो थर्टी परसेंट पीपल्स में पाए जाते हैं उसके बाद है स्किन का थिक हो जाना यानी कि ग्रेव डिजीज कुछ लोगों में क्या करती है स्किन को डिवेलप करती है कि उनके अंदर जो स्किन होती है वो थिक हो जाती है पैचेस होते हैं स्किन के ऊपर और इस डिजीज़ को हम क्या कहते हैं प्रिटीबियल मैग्स कहते हैं तो आज के लिए बस इतना ही इन नेक्स्ट हम अगला जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया जाए और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं तब तक के लिए अल्लाह